मामला खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हो रहा है। सदर एर्दोआन की जमात के कारकुनान के जनाजे जारी हैं, लेकिन फतह इन्हीं की हुई है। इनको तुर्की की तारीख में एक गहरी तब्दीली का एहसास है। इसके बाद तैयब एर्दोआन अपने मुल्क में अपनी मर्जी के मुताबिक ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे। वो हमारी सही मानों में नुमाइंदगी करते हैं, ना सिर्फ इक्तिसादी तौर पर बल्कि वो हमारी आज़ादी की एक अलामत हैं। साबिक फुटबॉल के खिलाड़ी और एक जमाने में इस्तांबुल के मेयर रहने वाले 60 साल एर्दोआन मगरबी तनकीद से शदीद चिढ़ते हैं। उन्होंने माजी में कहा है कि यूरोपीय यूनियन अपनी तजवीज अपने पास रखे। हाँ, वो बिल्कुल गरीब लोगों की परवाह करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने गरीब लोगों को रोटी और मकान फराहम किए हैं, उनसे पहले किसी ने ये नहीं किया था। लेकिन अब तुर्की में इंतकाम की फिजा चल पड़ी है। फौजियों की इस तरह बेहुर्मती कभी पहले नहीं देखी गई। सदर एर्दोआन के मुखालफीन को सिर्फ मुक्कों से ही नहीं बल्कि नए सिक्योरिटी कवानीन से रोकने का अमल अभी महज शुरू हुआ है।